Good morning friends, welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th subject biology, chapter number 4, animal kingdom, lecture number 5. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था एसके हेलमिंथीस या नेमेटोड, और इसके हमने कुछ कॉमन कैरेक्टर पढ़े थे और बाद में हमने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा था क्लास फेसमीडिया एंड क्लास ए फेसमीडिया के बारे में, जो उसके सेंसरी ऑर्गन फेसमिड से के तौर पे किया गया था कि फेसमिड किस में मौजूद होता है और किस में एबसेंट। तो उससे आगे आज हम पढ़ते हैं फाइलम एनेलिडा, जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड वर्म। इसमें भी आपको वर्म मिलेंगे लेकिन सेगमेंटेड होते हैं, जबकि हमने जो एसके हेलमिंथीस पढ़ा था उसमें वर्म जो है राउंड वर्म कहलाते थे, जिसके ऊपर सेगमेंट हमको नहीं मिलते थे। यह जो एनेलिडा फाइलम है उसको लैमार्क ने 1801 में क्रिएट किया था, और एनेलिडा वर्ग जो है लैटिन भाषा के एन्यूलस वर्ड से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रिंग्स, कि जैसे आप किसी अंगूठे को देख सकते हो, एक के ऊपर एक अंगूठियां धरने से जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है वह एनेलिडा के एनिमल्स का दिखाई देता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं आपको सेगमेंटेड बॉडी मिलती है एनेलिडा के एनिमल्स में, ये देखिए सारे एनिमल्स आपको सेगमेंटेड बॉडी वाले दिखाई देते हैं। तो यह एनेलिडा का कॉमन कैरेक्टर है। इनके बारे में बात करें तो यह एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों टाइप के इसमें सेगमेंट मौजूद होते हैं, जिसको मेटामेरिज्म कहते हैं, और इन्हें ये टिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिसके अंदर 3 जर्म लेयर मौजूद होती है और बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री इसमें मौजूद होती है। ये एनिमल पहले ऐसे एनिमल थे जो प्रोटोस्टोमिया के यूसेलोमेट एनिमल थे। प्रोटोस्टोमी जिसमें माउथ पहले डेवलप हो जाता है, और एलिमेंट्री माउथ पहले डेवलप होता है, और यूसिलोमेट जिसमें रियल सिलोम आपको मिलती है। बॉडी वॉल एंड गट वॉल हैव प्रेजेंस ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इसमें लंबे और सर्कुलर दोनों टाइप के आपको मसल्स मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वह इनमें पहली बार डेवलप हुआ था। याद रखना कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार डेवलप हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा एनेलिडा जो है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार बना था, और वो भी क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो उसकी ब्लड प्लाज्मा में घुला होता है। याद रखना इंसानों के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वह आरबीसी में पाया जाता है, जबकि इनमें ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होता है हीमोग्लोबिन। आगे हम बात करें तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वह रेस्पिरेशन उसकी मॉइस्ट स्किन के कारण या बॉडी सरफेस के कारण होता है। इनमें जो एक्सक्रिएशन होता है वह नेफ्रिडिया के कारण होता है। याद रखना नेफ्रिडिया इसमें ऑर्गन है जो एक्सक्रिएशन करने का काम करता है। इसमें स्केलेटन सिस्टम तो एब्सेंट होता है, लेकिन इनकी बॉडी में सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बनाने का काम करता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी गुब्बारे में पानी भर देते हो तो उसमें भी एक टाइप का बॉडी शेप देता है, वह बॉडी शेप जो है इसके अंदर इसका लिक्विड करता है, सिलोमिक फ्लूइड है वह उसके स्केलेटन के जैसा फंक्शन करता है। बॉडी जो है वह कवर होती है नॉन काइटिनस क्यूटिकल से। याद रखना इनमें बिना काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल बॉडी को ढकने का काम करता है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, सीटी पाए जाते हैं, ये दोनों टाइप के इसमें कह सकते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन आपको मिलते हैं, मतलब चलने वाले अंग के रूप में मिलते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनमें, और डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट आपको मिलता है, और इनडायरेक्ट होता है तो इसमें डायरेक्ट टाइप का आपको इसमें मिलता है, लेकिन इसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। याद रखना डेवलपमेंट जो है वह आपको इसमें
मैक्सिमम तो डायरेक्ट मिलेगा जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होती, लेकिन किन्हीं किन्हीं के अंदर इनडायरेक्ट होता है तो उसकी लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया था वह क्लासिफिकेशन किया गया था उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे, के फर्स्ट आता है क्लास पॉलीकीटा। पॉलीकीटा में क्या होता है, सीटी और पैरापोडिया दोनों टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन मिलते हैं, एग्जांपल नेरिस, ट्रीबेला और एस्प्रोडाइट। एस्प्रोडाइट को सी माउस के नाम से जानते हैं और ट्रीबेला एक ऐसा एनिमल है जो गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। ओलिगोकीटा सेकंड क्लास है जिसमें केवल सीटी पाई जाती है लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे, इसमें अर्थवर्म कैंचुआ आता है एंड ट्यूबीफेक्स आता है, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। याद रखना कि ग्रो इन फ्रेश वाटर, अगर ट्यूबीफेक्स कहीं पे उगा हुआ है एनिमल है कहीं पे मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि वह पानी साफ है, वह वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर के तौर पर जाना जाता है। थर्ड आता है हिरुडिनिया जिसके अंदर सीटी और पैरापीडिया दोनों एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कह सकते हैं सकर पाए जाते हैं मुंह के ऊपर और पीछे एनस के ऊपर भी, जो क्या है इसको चलने में हेल्प करते हैं। हिरुडिनिया इसका एक एनिमल है जिसको लीच के नाम से जाना जाता है। हिरुडिनिया से रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी कि यह बॉटिकॉइड टिशू होते हैं इसमें जो फैट को स्टोरेज करने का काम करते हैं, और हिरुडिनिया हिरुडीन पाया जाता है इनसे मिलता है जो एंटी कोगुलुएंट है। याद रखना इसका मतलब है कि खून को जमने नहीं देता है यह हिरुडिन। पहले के टाइम में जब लोग आप कह सकते हैं प्राचीन काल में जब सर्जरी करते थे हमारे जो ऋषि मुनि थे वह, तो उस टाइम क्या करते थे बॉडी के ऊपर ऐसे हिरुडिनिया के एनिमल्स को चिपका देते थे जो खून तो चूसते थे साथ में हिरुडिन ब्लड में छोड़ देते थे, जिसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती थी, ब्लड क्लॉट करने से रोक देते थे जिससे कि सर्जरी आसानी से कंप्लीट हो जाती थी। और फिलियोबोटोमी एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है सक इम्प्योर ब्लड, केवल इम्प्योर ब्लड को ही सक करता है, इसके अंदर ये तीन खासियत होती है। आर्कियानेलिडा इसकी फोर्थ क्लास है जिसमें केवल पैरापोडिया मौजूद होते हैं एंड पॉलीगोर्डिस इसका एक एग्जांपल है। तो ऑर्थोपोडा के बारे में हम सबसे पहले तो ये बात करें कि ऑर्थोपोडा एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स और अपेंडेजेस, मतलब आपको ऐसे एनिमल्स मिलें जिसके अंदर उसके लेग्स और अपेंडेजेस जॉइंटेड हो तो वह आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसके पैर जो है आपको जॉइंटेड मिलते हैं ऐसे। तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें अपेंडेजेस जो है आपको जॉइंटेड मिलेंगे। तो बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो नाम है वह सबसे पहली बार वॉन सीबोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1845 में। और आर्थ्रोपोडा की बात करें तो यह एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। याद रखना कि एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स है, हमारी दुनिया में जितने भी एनिमल्स है उसके 75% एनिमल आपको केवल आर्थ्रोपोडा के मिलेंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ा फाइलम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स ही आपको मिलते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके ये बन सकता है कि फाइलम तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है हमको पता है, लेकिन इसके अंदर कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल है। तो इनकी क्लास इंसेक्टा जिसमें लगभग 7,75,000 स्पीसीज़ आपको मिलती है, जबकि इसी के अंदर आर्थ्रोपोडा में ही ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, उसके अंदर आपको लगभग 2,80,000 स्पीसीज़ आपको मिलती है। इसके अंदर भी क्लास याद रखना पड़ेगा आपको कि क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है जबकि ऑर्डर कोलियोप्टेरा सबसे बड़ा ऑर्डर है जिसमें आपको एनिमल की स्पीसीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है। आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड हम एक और बात कर सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा पहले ऐसे एनिमल थे जो पानी से ज़मीन के ऊपर आए थे। एनिमल्स टू माइग्रेट टू लैंड, ज़मीन पे आने वाले पहले एनिमल कौन से थे, आर्थ्रोपोडा। तो इसके
कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की और बात करते हैं हम, तो देखते हैं कि सबसे पहला तो होता है जॉइंटेड अपेंडिजेस इसमें मिलती है, और इनमें क्या होता है, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब बॉडी के बाहर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में। ये सभी एनिमल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि थ्री जर्म ले मौजूद होती है इसमें, और बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्यूब विथ इन ट्यूब का बॉडी प्लेन इनमें मौजूद होता है, और यू सिलोमेट एनिमल है, मतलब इनमें ट्रू सिलोम वास्तविक सिलोम पाई जाती है। लेकिन एक वर्ड आपको ऑर्थोपोडा से रिलेटेड मिलेगा, हिमोसील। हिमोसील क्या होता है कि नॉर्मल जो बॉडी के अंदर कैविटी है वह पूरी बॉडी में मौजूद होती है, लेकिन ऑर्थोपोडा के मेंबर में बॉडी कैविटी केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ऊपर तक ही मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, तो उस टाइप की बॉडी कैविटी को कहते हैं हिमोसील। याद रखना, हिमोसील वर्ड जो है आपको इससे रिलेटेड मिलेगा ऑर्थोपोडा में, जिसका मतलब होता है बॉडी कैविटी रिस्ट्रिक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके आगे हम बात करें तो ये पहले ऐसे एनिमल थे जिसमें बहुत सारे फीचर्स हमको पहली बार मिले थे एनिमल्स में, जैसे सबसे पहला तो है स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। इससे पहले जितने भी हमने एनिमल्स पढ़े थे वो स्किन से, मतलब उसकी बॉडी सरफेस से सांस लेते थे, लेकिन इसमें ट्रेकिया, बुक लंग्स वैसे अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। सेकेंड एक और बात, इसके अंदर वोकल एंट्री मसल्स होते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं। आपने देखा होगा ऑर्थोपोडा के बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखे होंगे, जैसे कि आप वॉस्प के बारे में बात कर दें या कोई दूसरे एनिमल्स की बात कर दें ऑर्थोपोडा से इंसेक्ट में, जो आवाज़ करते हैं। आवाज़ करने वाले मसल्स, ध्वनि पैदा करने वाले मसल्स सबसे पहली बार ऑर्थोपोडा में बने थे। प्रेजेंस ऑफ पेरेंटियल केयर एक और बात है इसमें, कि पेरेंटियल केयर की भी शुरुआत सबसे पहले ऑर्थोपोडा में ही हुई थी, मतलब बच्चों को पालने का गुण इनमें ही बना था। जैसे कि आप मधुमक्खी के छत्ते में देख सकते हो, वह अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, या चींटियों में भी आप ग्रुप को देख सकते हो, टर्माइट में भी आप ग्रुप को देख सकते हो, जो क्या है, एक दूसरे की रखवाली करते हैं। तो पेरेंटियल केयर हमको किस में मिला, पहली बार ऑर्थोपोडा में हमको मिला था। हम इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह ओपन टाइप का होता है, और इनके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, जैसे इंसानों में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, लेकिन इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, जिसके कारण इसका ब्लड है जो आपको कलरलेस मिलेगा, जिसको कहते हैं हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ में चूँकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं, तो वह गैसों को एक्सचेंज करने का काम भी नहीं करता है। लेकिन इनके अंदर एक क्लास होती है, क्लास क्रस्टेशियंस। इस क्लास में आपको प्रॉन्स मिलते हैं, और उनकी खासियत यह होती है कि उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है। वह रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग होता है, जिसके कारण उसका ब्लड ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है, जिसको हीमोसाइनिन कहते हैं। याद रखना, हीमोसाइनिन क्या है, हमारी बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन, जबकि इनके अंदर होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जबकि हीमोग्लोबिन की बात करें तो वह आयरन से बना होता है, आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। बात करें, हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, जबकि इनमें ब्लू कलर का ब्लड मिलता है, किसमें, क्रस्टेशियन क्लास के अंदर प्रॉन्स जो आते हैं उनमें। आगे बात करें तो इसमें सिफिलाइजेशन का कैरेक्टर पाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि उसके बॉडी ऑर्गन्स ब्रेन और नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। पहली बार किसी फाइलम में बना था सिफिलाइजेशन का कैरेक्टर, वो था आर्थोपोडा। आर्थोपोडा में यह भी एक प्लस पॉइंट था कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे। मैक्सिमम आर्थोपोड की बात करें तो उसकी बॉडी जो है हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, तीन पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन
एरेक्निडा इसकी एक क्लास है जिसमें मकड़ियाँ यानी कि स्पाइडर आते हैं। उनकी बॉडी जो है केवल सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमन में ही डिवाइड होती है, जिसमें सिफेलोथोरेक्स का मतलब होता है हेड एंड थोरेक्स फ्यूज है। कैसे जरा देखें, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये बॉडी हेड में और फिर थोरेक्स में और एब्डोमन में डिवाइड है, जो आपको मैक्सिमम इंसेक्ट में मिलता है। लेकिन कुछ कुछ के अंदर सिफेलोथोरेक्स पाया जाता है, जिसमें क्या है कि हेड और थोरेक्स वाला हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ होता है। आप देख के बता नहीं सकते कि इसका हेड कहाँ पे ख़त्म होगा और थोरेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वह कंडीशन कहलाती है सिफिलोथोरेक्स और एब्डोमन। एब्डोमन तो ऐसा नीचे वाला हिस्सा आपको कई इंसेक्ट में दिख जाएगा। आगे हम बात करते हैं माउथ पार्ट्स की, तो इनमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं कि किन्हीं किन्हीं के अंदर, जैसे कि कॉकरोच और ग्रास होपर में बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हमको मिलते हैं, जिसको मैंडिबुलर टाइप के माउथ पार्ट भी कहते हैं। जबकि मॉस्किटो जो होता है उसके अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट हमको मिलते हैं। बीज जो होती है उसके अंदर हमको च्यूइंग और लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट मिलते हैं, जबकि हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी में स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट हमको मिलते हैं, जबकि सिफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट आपको बटरफ्लाई में मिलते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं माउथ पार्ट अलग अलग टाइप के, सकिंग, लैपिंग, च्यूइंग और दूसरे भी आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में कि इनमें श्वसन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है। इससे पहले हमने जितने पढ़े थे उसमें नॉर्मली बॉडी सरफेस से होता था, तो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है कि गिल्स जो है आपको प्रॉन्स में मिलता है और बुक गिल्स जो है आपको क्रेब में दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं बुक गिल्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुक गिल्स जो आपको क्रेब में मिलते हैं। बुक लंग्स जो है स्कॉर्पियन में आपको मिलता है, बिच्छू के अंदर मिलता है, जो एक टाइप का टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है। और ट्रेकिया या ट्रेकियल लंग्स आपको मैक्सिमम इंसेक्ट में मिलते हैं। आप देख सकते हैं बुक लंग्स आपको कैसे दिखाई देते हैं। और ट्रेकिया का मतलब होता है पाइप, यानी कि ट्रेकियल लंग्स या ट्रेकियल ट्यूब कह सकते हैं, पाइप के जैसा स्ट्रक्चर आपको मैक्सिमम इंसेक्ट में मिलेगा, जिससे रेस्पिरेशन उनमें होता है। इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें कि उत्सर्जन करने वाले अंग कौन से होते हैं, तो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में आपको दिखाई देती है, जबकि प्रॉन्स जो होते हैं उनके एंटीना के ऊपर कुछ ग्लैंड पाई जाती है जो एक्सक्रीशन करती है, उनको कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, यह भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। और कॉक्सल ग्लैंड एरेक्निडा के मेंबर्स में मिलती है आपको, जिसमें स्पाइडर्स आते हैं। इनमें भी सेंस ऑर्गन भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंपाउंड आई किस से बनी होती है, तो इसकी बेसिक यूनिट जो है वह कहलाती है ओमेंटिडिया, याद रखना, जो लगभग 2000 ओमेंटिडिया आपस में मिल जाने के बाद एक कंपाउंड आई को बनाने का काम करती है। इसके अंदर एक और कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन पाया जाता है, वह है स्टेटोसिस्ट, जो इनको बैलेंस कराने का काम करता है। और इनमें एंटीना भी पाए जाते हैं, जो भी इनमें एक टाइप के सेंस ऑर्गन हैं। आगे सामने की जो कह सकते हैं रुकावट होती है उसके बारे में पहचान कराने का काम करते हैं, लेकिन स्पाइडर्स के अंदर एरेक्निडा के मेंबर्स में यह एब्सेंट होते हैं। ऑर्थोपोडा की बात करें तो सारे मैक्सिमम एनिमल आपको इसमें यूनिसेक्सुअल मिलेंगे और ओविपेरस होंगे, अंडे देंगे, लेकिन स्कॉर्पियन एक्सेप्शन है इसका, जो विविपेरस होता है, सीधे बच्चों को पैदा करता है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंडीशन में हो सकता है कि एक्वेटिक ऑर्थोपोड जो हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि
टेरेस्ट्रियल जो है उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको मिलता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज हमको मिलती है। वह भी इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है वह भी तीन टाइप का होता है, ए मेटाबोलस, पैरा मेटाबोलस एंड होलो मेटाबोलस। क्या है देखें जरा इसको। ए मेटाबोलस में क्या होते हैं कि जो यंग वन होते हैं वह एडल्ट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, नो चेंज होता है उसमें, जैसे छोटे हैं वैसे के वैसे बड़े दिखाई देते हैं, लेपिस्मा हमको इसमें मिलती है एग्जांपल। और पैरा मेटाबोलस जो है वह इनकम्प्लीट टाइप का होता है कि यंग वन एंड एडल्ट डिफरेंट साइटली, क्या आपको देखने से अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि यंग वन ऑफ कॉकरोच डज नॉट हैव विंग्स बट एडल्ट हैज़ विंग, कि अगर आप छोटे कॉकरोच को देखोगे तो उसमें आपको पंख नहीं दिखाई देंगे, जबकि बड़े होने पे उस पर पंख विकसित हो जाते हैं। कॉकरोच और ग्रास होपर इसके अंदर आते हैं। जबकि होलो मेटाबोलस जो है कंप्लीट टाइप का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिसमें यंग वन और एडल्ट आर कम्प्लीटली डिफरेंट, जैसे कि हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। इनकी अगर छोटी स्टेज को देखते हो तो आपको इल लाइक, एक ईल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो एक बड़ी तरीके से हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, कि आप बटरफ्लाई की छोटी स्टेज को देख के कह ही नहीं सकते कि यह बटरफ्लाई बनेगी, है ना। तो वह कहलाता है होलो मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट। हम आर्थ्रोपोड की बात करें तो ये जो है आपको कॉलोनी में और सोसाइटी के अंदर मिलते हैं, कि इनके मैक्सिमम मेंबर्स जो है कॉलोनी या झुंड में रहते हैं, सोसाइटी बना के रहते हैं। जैसे आप मधुमक्खी के छत्ते को देख सकते हो, टर्माइट में देख सकते हो, एंट में देख सकते हो, आपको ग्रुप मिलते हैं इनके, पूरे झुंड मिलते हैं इनके अंदर। इसके एग्जांपल की बात करें तो लोकस्ट आता है इसके अंदर, लिम्यूलस आता है जिसको किंग क्रेब के नाम से जाना जाता है, और लिविंग फॉसिल्स भी इसी को कहते हैं। याद रखना, एक वन मार्क का क्वेश्चन इससे बन सकता है, लिविंग फॉसिल कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा लिम्यूलस यानी कि किंग क्रेब। लेपिस्मा जो है सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है, और यह एक टाइप का विंगलेस इंसेक्ट है, इसके ऊपर पंख हमको नहीं मिलते। साइक्लोप्स, मिलीपेड, डेफनिया जो है उसको बटरफ्लाई भी कहते हैं, और सेंटिपेड और ब्यूटेनस जो स्कॉर्पियन का साइंटिफिक नेम है, ये भी कह सकते हैं कि इसमें आता है आर्थ्रोपोडा में। और बेलिनस भी आता है, एस्टिकस भी आता है जिसको क्रे फिश के नाम से जाना जाता है, स्पाइडर तो आती ही है मैं बता चुका हूँ आपको। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट भी आते हैं, जिसका हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, जैसे कि हनी बी, उससे हनी मिलता है आपको। लेसिफर लेका लैक इंसेक्ट है, उससे लैक मिलता है हमको। बॉम्बेक्स मोगाई जो है उससे सिल्क मिलता है, सिल्क वर्म है। तो ये तीन जो है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है, और इसमें कई वेक्टर भी आते हैं। वेक्टर में जो ज़्यादातर हैं वो मच्छर होते हैं, वो बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि एडीज़ जो मॉस्किटो है वह डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाता है। क्यूलेक्स मच्छर एलिफेंटियासिस हाथी पांव बीमारी को फैलाने का काम करता है, जबकि एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया डिजीज़ को फैलाता है।